सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशली क्लास टेंथ के लिए है, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी, लेकिन क्लास टेंथ को फोकस करके वीडियो बनाई गई है। गाइज, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जिनको कि स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर फॉर आफ्टर CBSE क्लास टेंथ एंड टर्म टू एग्ज़ाम्स। क्लास टेंथ के टर्म टू एग्ज़ाम्स के बाद आप इनकी तैयारियां कर सकते हो। एडमिशन क्लास ट्वेल्थ के बाद ही होगा, लेकिन तैयारियां पहले ही शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लैट की, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दोज हु पास द क्लैट कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन टू 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड LLB एंड LLM प्रोग्राम्स। LLB LLM के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो क्लैट का टेस्ट क्लियर करने के बाद। एडमिशन ट्वेल्थ क्लास के, जैसे आप ट्वेल्थ क्लास पास कर लेते तभी होगा, लेकिन तैयारियां आप पहले शुरू कर सकते हो सो दैट आपको अच्छा रिजल्ट मिले। उसके बाद बात करेंगे नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन NTSE। ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप फेस करें, और इस एग्ज़ाम का बेसिक जो गोल है गाइज वो है बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की फीलिंग्स को डेवलप करना, और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसकी तैयारी आप क्लास टेंथ के बाद ही शुरू कर सकते हो सो दैट आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। और जैसे जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि कौन से एग्ज़ाम्स को आप टेंथ क्लास के बाद फेस कर सकते हो, इसका मतलब होता है कि क्लास टेंथ के जो एग्ज़ाम्स के बाद आपको टाइम मिलेगा उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये उन बच्चों के लिए टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है जो कि बच्चों के अंदर इस एम को इंस्पायर करता है कि वो आगे चल करके बेसिक साइंस रिसर्च में अपना करियर बना सकें। तो आप भी इस स्कॉलरशिप में हिस्सा ले सकते हैं और इसकी तैयारी आप क्लास टेंथ के जस्ट बाद शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे जाना चाहते हैं IITs के अंदर और बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो उनके लिए टेस्ट है। स्टूडेंट्स हु डिज़ायर टू परस्यू करियर इन इंजीनियरिंग कैन बिगिन JEE प्रिपरेशन आफ्टर क्लास टेंथ के बाद ही शुरू कर दें। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है तो आपको टाइम लगेगा, 2 साल आप लगातार तैयारियां कीजिए, ट्वेल्थ के बाद ही एडमिशन होता है। उसके बाद है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET। CBSE ऑर्गेनाइजेज दिस एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MBBS और BDS प्रोग्राम्स इन इंडिया। थ्रू आउट द इंडिया जो बच्चे MBBS करना चाहते हैं, BDS प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए टेस्ट होता है और इसकी तैयारी भी आप, एक टफ लेवल का टेस्ट होता है, क्लास टेंथ के बाद ही शुरू कर सकते हैं सो दैट आगे चल करके आपको ये 2 साल बेनिफिट करें और ट्वेल्थ क्लास के बाद जैसे आप अपीयर हों आपको अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद है NSO, नेशनल लेवल साइंस एग्जाम। इट इज़ अ स्कॉलरशिप एग्जाम गाइस, ये स्कॉलरशिप एग्जाम है और प्रोग्रामिंग प्रमोटिंग साइंटिफिक रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 और फर्स्ट से लेकर 12th क्लास के बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।